नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, एंटी करप्शन टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग में मारा छापा। शिक्षा विभाग के भ्रष्ट बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। भ्रष्ट बाबू ने एक अध्यापक से वेतन भुगतान के नाम पर 10,000 की मांगी थी रिश्वत। अध्यापक ने सक्रियता दिखाते हुए एंटी करप्शन टीम को दी गोपनीय सूचना। अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक एक कर खुलने लगी है पड़ते। बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछने पर बताया उन्हें नहीं है कुछ इस मामले में अता पता। एंटी करप्शन टीम ने पकड़े गए भ्रष्ट बाबू को किया कोतवाली पुलिस के हवाले। सूत्रों की अगर माने तो एंटी करप्शन टीम चंद घंटों में कर सकती है खुलासा। जनपद जालौन के उरई मुख्यालय का 2020-21 का जो है वेतन का एरियर बनना था, जो विकास खंड कठौन के द्वारा वित्त लेखाधिकारी BSA कार्यालय में आ चुका था, जिसको बरामद जिसका एरियर बरामद करने के लिए संबंधित लिपिक श्री विनय कुमार द्वारा इनसे पहले 15,000 रुपये की मांग की गई, फिर काफ़ी मेहनत करने पर इनके द्वारा 10,000 रुपये लेना 27 तारीख को तय हुआ था कार्यालय के आसपास, जिसके क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन निकाय झांसी की ट्रैक टीम द्वारा इन्हें रंगे हाथों शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए समय करीब 13:30 पर इनके कार्यालय के पास से टंकी के किनारे से गिरफ्तार किया गया। इनसे जुड़े और भी कई मामले सामने आए हैं क्या? इनसे जुड़ा कोई मामला नहीं, इनका मामला सामने आया, इनसे संबंध में कार्रवाई एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई है। फिर क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी? जिसके संबंध में थाना कोतवाली का मुकदमा दिखाकर कार्रवाई की है। मेरा नाम रमाकांत शुक्ला है, यूटा का प्रदेश संयुक्त महामंत्री हूँ 17-39 का। और आज ये जो ट्रैप हुआ है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज जी सिकरवार, प्रदेश अध्यक्ष विपिन पटेलिया, विजय पटेल जी प्रदेश कोषाध्यक्ष के निर्देशन में आज ओम जी राणा जो शिक्षक हैं यहाँ जलाउन में, उनसे विनय बाबू हैं लेखा विभाग में, उन्होंने 10,000 की रिश्वत मांगी थी कि तुम्हारा एरियर मैं निकाल दूंगा। उनका एरियर फंसा हुआ है। कब से फंसा था इनका ये एरियर? इनका कम से कम एक महीने से फंसा हुआ है। बार बार विनती की उन्होंने, तो कहा 10,000 रुपये आप दे दीजिए, मैं आपका एरियर निकाल दूंगा। तो आज जब इनको हमने एंटी करप्शन झांसी शिकायत करवाई इनसे, और शिकायत करवाने के बाद जब एंटी करप्शन आज यहाँ आई, आज 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ गए। ये एक यूपी का 183वां भ्रष्ट पकड़ा गया यूटा के माध्यम से। अभी भी जालौन और उरई में एक दर्जन अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं, बहुत जल्द उनको पकड़ करके इसी प्रकार की सजा दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, इसको लेकर यूटा और आने क्या करना चाहिए? इसमें रणनीति बनी हुई है, हम लोग लिस्ट बनाते रहते हैं जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी कौन कितना भ्रष्ट है, और उसी प्रकार से पीड़ित के साथ मिलकर के हम लोग सहयोग करते हैं। आपके द्वारा शिकायत करी गई थी क्या चीज़? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, इन्होंने हमसे सलाह मांगी लीगल सेल यूटा का। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ तो यूटा सेल हम लोग सलाह देते हैं कि आप किस प्रकार से जाएंगे, शिकायत करेंगे, कैसे मिलेंगे, इस प्रकार से हम लोग रास्ता बताते हैं, और इस प्रकार से ये लोग। थैंक यू।